सिनेमा की एंट्री हुई और सभी जगह यानी कि रेस्टो बाजार, यहां तक कि थिएटर्स में ताले लग गए। ऐसे में खिलाड़ी की फिल्म लक्ष्मी का OTT पर रिलीज होना मानो नियति का खेल था, क्योंकि फिल्म को जिस तरह के मिले जुले रिएक्शन मिल रहे हैं उसे देख शायद अक्षय को भी यही लगने लगा है कि अगर ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होती तो शायद माहौल कुछ और होता। दरअसल अक्षय का ये रिएक्शन तब आया जब उनसे OTT पर उनकी फिल्म को मिल रहे रिएक्शंस के बारे में पूछा गया, साथ ही बिग स्क्रीन और स्मॉल स्क्रीन पर रिलीज का फिल्म पर क्या असर पड़ता है, इसको लेकर भी अक्षय ने अपना ओपिनियन रखा। एक्टर ने OTT वर्सेस थिएटर पर रिलीज की बात करते हुए कहा, फर्क तो पड़ता है, बड़ी स्क्रीन पर सिनेमा एक अलग एक्सपीरियंस हो जाता है, घर पे बैठकर टीवी या मोबाइल पर फिल्म देखना कभी वो अनुभव दे ही नहीं सकता। अक्षय ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, लेकिन इस कोविड के टाइम में एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो गया है, ये वक्त का तकाजा है, वक्त जैसे चलता है उस हिसाब से ही हमें भी चलना पड़ता है। जैसे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमें OTT पर फिल्म भी रिलीज करनी पड़ रही है। तो क्या समझे जनाब? भैया अक्षय जिस तरह से थिएटर्स को थम्स अप दिखा रहे हैं उसे देख तो यही लगता है कि उन्हें लक्ष्मी के थिएटर्स की बजाय OTT पर रिलीज किए जाने वाले फैसले पर थोड़ा मलाल तो जरूर हुआ है। खैर इस फिल्म को इंडिया में भले ही उम्मीद से कम रिस्पॉन्स मिला हो, लेकिन ओवरसीज में अक्षय की फिल्म कमाल का रिस्पॉन्स जनता से कम आ रही है। यही नहीं, लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं और कलेक्शन के हिसाब से भी यहाँ की बजाय बाहर का अच्छा आंकड़ा है। फिलहाल आपको क्या लगा अक्षय के स्टेटमेंट से? जरूर दीजिएगा अपना जवाब नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में।